अच्छी लगाती थी तो मैंने लगा ली है। और उसी के अलावा लगा रही हूँ मैं मेहंदी। पहले तो मतलब और अच्छी लगाती थी, अब प्रैक्टिस ना सारी छूट गई है क्योंकि जब से बच्चे हुए हैं ना तो टाइम नहीं मिलता है, तो हल्की हल्की मतलब ऐसी लगा रही हूँ और ज़्यादा डिज़ाइन तो अब आते नहीं है। और हाथ मेरा ना चलता भी नहीं है क्योंकि जब दोनों हुए थे तो बोतल वगैरह चढ़ी थी, तो उस वजह से पता नहीं इस हाथ में ना पेन रहता है, तो ज़्यादा मतलब ऐसे काम नहीं हो पाते हैं मुझसे। तो बस यहाँ पे सिंपल सिंपल लगा रही हूँ, कैसी लग रही है आप लोग को बताना, पूरी लगा के फिर आपको दिखाऊंगी मैं कैसी लग रही है। यहाँ पे मैंने लगा ली है और सिया सो रही है अभी, तो मैंने सोचा चलो मेहंदी लगा लेती हूँ हाथ में, नहीं तो फिर वो उठ जाएगी। तो आप लोग को कैसी लगी मेरी मेहंदी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है हैप्पी करवा चौथ सिंपल सोअर, मेरे मुँह में लग गई थी सिंपल सोअर। और जब मैं घर में होती थी तब तो मैं किसी को बुला लेती थी क्योंकि वहाँ पे कई लोग हैं मेहंदी लगाने वाले, तो मैं बुला लेती थी जैसे आदि भी छोटा था। लेकिन जब भी मैं यहाँ होती हूँ कोई त्यौहार होता है तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। और शादी से पहले तो मैं खुद लगाती थी, काफ़ी काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती थी। और शादी वगैरह होती थी ना जैसे हमारे घर में रिलेशन में, तो कई लोगों के हाथों में मेहंदी लगाती थी, तो उस समय प्रैक्टिस भी अच्छी थी और मतलब बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाता था। और अब तो कई सालों से मेरी प्रैक्टिस छूट चुकी है, तो बस ये है कि अपने लाइक में लगा लेती हूँ। और मम्मी के लगा देती थी शादी के बाद, तो बस अपने लाइक मैंने लगा लिए। तो मैं थक गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है शायद 1 बजने वाला है, तो अब बनाऊँगी मैं खाना। और बस ये को मैंने सुला दिया है तो एक हाथ से ही बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी ना तब बनाऊँगी। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि आज बहुत थक गई हूँ मैं, तो मिलता है आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए मैंने एक पैर में लगा दिए और सिंपल ही डिज़ाइन बनाया है, तो इधर साइड में भी बना दिए, इधर भी। तो मैंने ये देखिए कैसे लग रही है आप लोग बताना। तो मैंने इस पैर में तो लगा लिया, मैं दूसरे पैर में लगाती हूँ, थोड़ा सा और सही करूँगी कि पायल पहनी है तो उससे से डिज़ाइन पूरा नहीं बन पा रहा है, तो बनाऊँगी मैं दूसरे पैर में। तो यहाँ पे हो रही है सुबह की पूजा, तो ऊपर मंदिर में तो मैंने पूजा कर ली थी और अब मैं कर रही हूँ नीचे की। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अष्टदल कमल। तो चावल जो थे मैंने परसों ही कर लिए थे, इनमें कलर लगा के इनको मतलब सूखे सूखे ही बन गए थे, इनको सुखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने ऐसे ही पन्नी में करके रख दिए थे। तो बस अब मैं बनाऊँगी अष्टदल कमल। वैसे तो हम प्लेन चावल से ही बना सकते हैं, तो मेरे पास कलर रखे हुए थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर रखेंगे हम इसको मतलब इसको कलश या मटका जो भी बोलते हैं, और इसके अंदर हम रखेंगे कुछ मीठा। और बाकी एक लोटा मैंने साइड में रखा है, उसमें जल भर के जो हम चंद्रमा को अर्पण करेंगे, तो वो मैंने एक साइड में रखा हुआ है। और इसमें मैं बनाऊंगी अष्टदल कमल और उसके ऊपर रखूंगी ये, और इसमें मीठा रखेंगे जैसे हम दिवाली में रखते हैं ना उस तरीके से। और श्रृंगार का सामान मैंने यहाँ पे रख दिया था, बाकी वही नॉर्मल सी चीज़ थी, और बाकी मैंने ये बालियाँ रखी हुई थी यहाँ पे। और साथ साथ में मुझे सिया भी बहुत परेशान कर रही थी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
देखिए मैंने आज मॉर्निंग में मैंने ये वाली चूड़ी पहनी है और रात को मैं पहनूंगी दूसरी साड़ी पहनूंगी, तो अभी तो मैंने सूट पहन रखा है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हम सब आयु बच्चे होंगे और अभी बिल्कुल ठीक है। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। कैसा जा रहा है आपका करवा चौथ का दिन, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मैंने पहना है ये मजेंटा कलर का सूट और इसकी चुन्नी है ब्लू कलर की और मैंने पहनी है चूड़ियाँ, ये वाली चूड़ियाँ पहनी है मैंने। सिंपल सा लुक रखा है दिन में मैंने और रात को मैं पहनूंगी साड़ी। तो ये देखिए मैंने इस हाथ में तो मेहंदी लगा ली थी, इस हाथ में मैंने मेहंदी लगा ली थी और इस हाथ में मेरी रह गई है और पैरों में भी मैंने आपको दिखाया था मेहंदी लगा ली है, रच गई है। मैं बाकी पूरा लुक आपको बाद में दिखाऊंगी। ये मेरा सूट सलवार वाला और ये मेरे पैरों में मेहंदी लगाई है और मेरा सूट कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोग को ज़रूर बताना किस कैसा लग रहा है। तो अभी तो मैंने सिंपल लुक रखा है और मैंने पहने हैं इयररिंग्स। गले में मैंने बस मंगलसूत्र है दिन में, रात को मैं सेट वगैरह पहनूंगी। बस मैंने हल्का सा लुक रखा है तो आप लोग बताना। तो मैंने थंबनेल के लिए वीडियो ले लिया है, आप लोग बताना। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो वीडियो करती हूँ मैं एंड और आज का जो भी होगा वो कल के ब्लॉग में आएगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको करवा चौथ की दिखानी है मुझे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना मेरी वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।